आप कहाँ से आ रहे हो? बरेली। अच्छा, कब आए थे आप? हम। और कितने सालों से आ रहे हो? बहुत सालों से आ रहे हैं। कितने साल? बचपन से आ रहे हैं। अभी आपकी उम्र कितनी हो? 90 साल? 65। दादा परदादा आते रहे हैं हमारे। अच्छा, नई पीढ़ी है हमारी। अच्छा, मदार के आदमी। आप कहाँ से आते हो? जो भी खेत कतरा पकड़ा गया तो उसकी समाधान सख्त हो सकती है। कमेटी की जानेब से ऐलान है कि खानका शरीफ में कैमरे लगे हुए हैं और जायरीन मदारुलआलमीन से ये हमारी गुजारिश है कि अपने सामान की हमने पर्स मोबाइल की खुद हिफाजत करें और अगर किसी पे आपको शक हो तो उसकी इतला हमारे साउंड सर्विस। आप किधर से आ रहे हो? आप कहाँ से आ रहे हो? हमारा साउंड स्टार शोरूम है गुजरात। हमारे नदी को इतला दी जाती है कि नदी में नहाते वक्त ज्यादा गहरे में न जाए, नदी में जवाब जवाब बंद है जिससे कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए किनारे पर नहीं नहाए। और तमाम जायरीन मदारुलआलमीन को इत्तला दी जाती है कि अपने मोबाइल अपने पर्स की खुद हिफाजत करें और खानका शरीफ में ज्यारत करते वक्त अपने मोबाइल और अपने पर्स की हिफाजत करें और अगरबत्ती को अगरबत्ती स्टैंड पर ही लगाए हालांकि मदार से दूर रखें। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने हर साल आते हैं आप? कितने सालों से आ रहे हैं आप? उम्रा करके आए अभी। अच्छा, ठीक है। अभी इंतजामिया कमेटी की जानिब से ऐलान हो रहा है कि तमाम शरीफ में या खानका शरीफ में कोई भी होल्डिंग न लगाए। उस इंतजामिया कमेटी की जानिब से ऐलान सवाल फरमाए कि खानका शरीफ में या तमाम शरीफ में कोई भी होल्डिंग न लगाए। खास करके ये ख्याल रखें कि जिस होल्डिंग में तस्वीर लगी हो, जिसकी भी तस्वीर लगी हो, आप सभी हजरात से गुजारिश है कि खानका शरीफ में या तमाम शरीफ में अपनी होल्डिंग न लगाए। खानका शरीफ से और तमाम शरीफ से बाहर ही रहें। राजकोट गुजरात अहमदाबाद। यूर ओके, योर हेल्थ इज ओके। यू नो हिंदी? आई नो इंग्लिश। और हुजूर कैसे है आपकी तबीयत? बहुत अच्छे। आपका चेहरा देखता हूँ, आपका चेहरा देखता हूँ बड़ा खुश हो जाता हूँ। ये वो दरबार है। हाँ बोलिए। कि खींच खींच के बयां बांह से, खींच खींच के बयां बांह से दीवाने चले आए, जब शम्मा हुई रोशन
परवाने चले आए, क्या बात तुम्हारी है, रिंदाने बदीउद्दीन जब प्यास बड़ी हद से मैं खाने चले आए हैं। और एक कहा है चार में से कि तुझी से इश्क नबी का हमें जुनून मिला, तुझी से इश्क नबी का हमें जुनून मिला, तेरी रगों में हमें फातिमा का खून मिला। अजब असर है तेरे नाम में खुदा की कसम, इधर मदार का और इधर सुप्रीम। So this is the holy shrine of Zinda Shah Madar, and this is love of a Sufi saint, the oldest saint, and people come from all over the world, people come from all over India to taste the beauty. This is a tree they ये क्या बांध रहे हैं? इस आपने कुछ मांगा है? हाँ। क्या मांगा? सुकून, सुकून मांगा है, सुकून। चलो पूरा हो जाए। This is my photographer friend. How are you? I just come, wait for me. Us ladies are not inside the allowed inside the holy shrine. They come here. This is the top shot of the holy shrine of Zinda Shah Madar. Ladies are not allowed inside, so they come on this place and they ask for whatever they want to ask. And this is an amazing place. It's a beautiful place. And sadly, the government of Uttar Pradesh has done nothing. Whether it was Akhileshji, whether it was Mayawati, or whether it is Aditynathji, nothing has been done to give sukoon, give peace, make travel simple and easy for the devotees of Zinda Shah Madar. I'm sad to say that Modi ji talks about sabka saath sabka vikas. Modi ji talks about one India, but I'm sad that the Sufi Islam does not have place in the agenda of Indian government. I feel absolutely hurt. I've been coming here for last 4 years, and this could be one of the most important Sufi destinations of India, but it has not been given the encouragement, it has not been given the support that should have been given. I feel really, really sad. And people come from all over India, people come from abroad to this oldest Sufi shrine of Zinda Shah Madar. I have come from Bombay, Mumbai. I come here every year. I'm affiliated to Syed Masoom Ali Baba. I am his malang and Khalifa. And my foreigner friends too come and shoot this peaceful place. We come and take something from here, and it's the sweetness of humanity, the sweetness of being Indian, and the sweetness of loving our country
more than anything else. And this is a peaceful Islam. It's a very, very congenial Islam. It's an amazing Islam. And I'm proud that I'm shooting this beautiful place. The Madar, Beda Par.